गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनिक्लेचर ऑफ कार्बोनिल पढ़ा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ पार्ट नॉमिनिक्लेचर में बचा हुआ है वो, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल इन विच कीटोन एंड एल्डिहाइड का अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापी एल्डिहाइड एवं कीटोनों का नामकरण। एल्किल या प्रायिकता क्रम में CHO समूह के नीचे आने वाले प्रतिस्थापित समूह युक्त एल्डिहाइड के नामकरण के लिए CHO समूह के कार्बन परमाणु को संख्या देते हैं, इसे एक नंबर दिया जाता है। अन्य प्रतिस्थापियों की श्रृंखला परिस्थिति दर्शाते हुए उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम से पूर्व लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं CHO समूह को नंबरिंग 1 मिली है, और उसके बाद में फिर 2, 3, 4, 5। जब आगे नंबरिंग चलती है तो उसमें प्रतिस्थापियों का फंक्शनल ग्रुप के प्रायिकता ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए पहला 4,4-dimethylpentanyl, 4-chloro-2,2-dimethylbutanyl, 2-phenylethanyl और X5-phen-1-L। यदि यौगिक में दो एल्डिहाइड समूह हो तो उन दोनों CHO समूह की स्थिति दर्शाकर संलग्न डाईएल लगा देते हैं। 1,2,3-2-phenyl-propane-1,3-diol। प्रतिस्थापित कीटोन के नामकरण के भी यही नियम है। कीटो समूह श्रृंखला के बीच में आता है तो श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि कीटो समूह को न्यून संख्या मिले। फर्स्ट एग्जाम्पल में कीटोनिक समूह दूसरे कार्बन पे है, पहले पे क्लोरो भी है, 1-chloro और ये 5-methyl की जगह 6-methyl आएगा, काउंटिंग में मिस्टेक है। Xn टू ऑल तो हेप्टेन टू ऑल, ऐसे ही पेंट फोरिन टू ऑन। चक्रीय एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण वे एल्डिहाइड जिनमें CHO समूह वलय निकाय से जुड़ा होता है IUPAC नाम वलय के नाम के साथ कार्बोनिलडिहाइड अनुलग्नित करके दिया जाता है। बेंजीन कार्बोनिलडिहाइड बेंजाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिलडिहाइड 2-नेप्थेलीन कार्बोनिलडिहाइड। बेंजीन कार्बोनिलडिहाइड के स्थान पर बेंजाल्ड सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। चक्रीय कीटोन में कीटोनिक समूह श्रृंखला के मध्य में आते हैं, अतः इन्हें एलिफैटिक कीटोनों का व्युत्पन्न मानकर नाम दिए जाते हैं। एसिटोफिनोन 1-phenylethanone या मेथिल फेनिल कीटोन, बेंजोफिनोन डाइफेनिल मेथेनोन या डाइफेनिल मैकीटोन, 1-cyclopentylethanone या 1-cyclohexylpropanone। यदि किसी यौगिक में CHO समूह पूर्व लग्न के रूप में लेना पड़े तो इसे फार्मिलिया मेथेनोयल नाम देते हैं। इसी प्रकार CH3C समूह को एसिटिल या एथेनॉल नाम देते हैं। 2-methanyl बेंजीन बेंजोइक अम्ल
या टू फार्मिल बेंजोइक अम्ल, अगले वाले में फोर फार्मिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, टू एथिल मेथेनोयल बेंजोएट, फोर एथेनोयल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तो नोमेनक्लेचर की बातें हैं। अब हम अध्ययन करेंगे एल्डिहाइडों का संश्लेषण का। रोजेनमुंड अपचयन, पहला जो है अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड का संश्लेषण। एल्केनोइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा बनती हुई जाइलिन लेड और बेरियम सल्फेट में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्केनिल प्राप्त होते हैं। यह अपचयन रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। एल्केनोइल क्लोराइडों के अपचयन लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ 78 डिग्री पर करने पर भी एल्केनिल प्राप्त होते हैं। ईथर विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अपचाय के रूप में लेते हैं। डाइबल जिसे कहते हैं, ये देखिए रिएक्शंस हैं ये, कि पहला जो कंपाउंड है वो अभिकृत होके एल्डिहाइड दे रहा है। तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि जैसे इसमें मेथॉक्सी समूह लगा हुआ है इसको प्रभावित नहीं कर रहा, बेंजीन जो कि अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्डेड है, इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। नाइट्रो समूह इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। क्रियाविधि देखें तो देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिथियम को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो अपने साथ जोड़ता है उसको। सेकंड स्टेप में एल्यूमिनियम इस कार्बन को एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को देते हुए हाइड्रोजन को इससे बंधित करता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और फिर पुनः लिथियम बाहर निकलते हुए एल्यूमिनियम इससे जोड़ता है और इस प्रकार से कार्बोनिल बनता है। अम्ल क्लोराइड से कीटोनों का संश्लेषण एल्केनोइल क्लोराइड के गिनर अभिक्रम के साथ अभिक्रिया द्वारा। फर्स्ट स्टेप में एडिशन और फिर हाइड्रेशन होता है तो कीटोन मिल जाता है। एल्केनोइल एल्केनोइल की ऑर्गेनोकैडमियम यौगिक के साथ अभिक्रिया द्वारा इससे पहले ग्रिनर अभिक्रम की क्रिया निर्जल कैडमियम क्लोराइड के साथ करके उसे डाई एल्किल कैडमियम में बदल लेते हैं। ये डाई एल्किल कैडमियम एल्केनोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्केनोन देता है तो गिरनार अभिक्रमक डाई गिरनार अभिक्रम कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके डाई एल्किल कैडमियम देता है और फिर ये एल्केनोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके कीटोन बनाते हैं। अगला है एल्केनोइल क्लोराइड की ऑर्गेनो यौगिकों से अभिक्रिया, अर्थात ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो कॉपर की बात करें। एल्किल या एरिल हैलाइड लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया से ऑर्गेनोलिथियम यौगिक बनाते हैं जो क्यूप्रस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके लिथियम ऑर्गेनो क्यूप्रेट बना देते हैं। ये लिथियम ऑर्गेनो क्यूप्रेट एल्केनोइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके कीटोन देते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ अभिक्रिया करके और फिर क्यूप्रस हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ऑर्गेनो क्यूप्रेट
लिथियम डाइअल्किल क्यूप्रेट बनता है, ये अभिक्रिया करके कीटोन देता है। देखिए यहाँ लिथियम डाई मेथिल क्यूप्रेट है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है -78 डिग्री केल्विन पर, तो ये ब्यूटेनॉन बनता है। 4-नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड से 4-नाइट्रोएसिटोफिनोन बनता है, 4-साइनोबेंजाइल क्लोराइड से 4-साइनोएसिटोफिनोन बनता है, 4-साइक्लोहेक्सेन से कार्बोनिल क्लोराइड से 4-साइक्लोहेक्सिल मेथिनोन बनता है। इस प्रकार से सेम रिएक्शन होती है बेंजीन व बेंजीन सजातो की अम्ल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया से भी एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होते हैं। इसे फ्रेटल क्राफ्ट एसलीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसमें एसिटोफिनोन बनता है। या बेंजल क्लोराइड और बेंजीन लेते हैं तो बेंजोफिनोन बनता है। अब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है, जो बहुत कॉम्पिटिशन्स में आती रहती है, वो है 1,3-डाइथायन से एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण। चक्रीय 1,3-डाइथायोएसिटेल 1,3-डाइइथायन्स कहलाते हैं। नीचे स्ट्रक्चर्स दी हुई है, 1,3-डाइथायन 2-एल्किल 1,3-डाइथायन 2,2-डाइएल्किल 1,3-डाइथायन्स। 1,3-डाइथायन को फॉर्मल्डिहाइड की 1,3-प्रोपेन डाइथायोल के साथ अभिक्रिया से निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। फॉर्मल्डिहाइड 1,3-प्रोपेन डाइथायोल, तो 1,3-डाइथायन प्राप्त होता है। 1,3-डाइथायन की अभिक्रिया ब्यूटिल लिथियम से करने पर इसका निम्नलिखित कार्बोनियम बनता है। देखिए नीचे अभिक्रिया में ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन से होती है, तो ब्यूटिल लिथियम से लिथियम और ब्यूटाइल जो समूह है ब्यूटाइल, तो यह कार्बोनियम बन जाता है। सेकेंड स्टेप में एल्किल हैलाइड इससे जब रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड, तो 2-एल्किल-1,3-डाइथायन बन जाता है। ऐसे ही अगर एक एल्किल समूह पहले से लगा हुआ लेते हैं अपन और फिर इसकी अभिक्रिया अर्थात इसका हाइड्रेशन करवाते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। आर प्राथमिक एल्किल या द्वितीयक एल्किल या बेंजिल समूह हो सकता है, जैसा अपने को उत्पाद चाहिए वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। ब्यूटाइल लिथियम और जब ये हाइड्राइड युक्त समूह लेते हैं तो वैसा ही अपने को एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कीटोन बनाना और बड़ा अगर एल्डिहाइड बनाना है तो वैसा ही अपन प्रतिस्था भी यहाँ ले लेंगे एल्किल हैलाइड में। इसी प्रकार से 2-एल्किल-1,3-डाइथायन का आगे भी एल्किलीकरण किया जाता है, इससे 2,2-डाइएल्किल-1,3-डाइथायन को निम्न प्रकार से बनाते हैं और फिर कीटोन लेके जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो डाइएल्किल-1,3-डाइथायन बनता है और इसकी अभिक्रिया जब मर्क्यूरिक क्लोराइड अल्कोहल और H2 की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होते हैं। आर प्राथमिक द्वितीयक या बेंजिल समूह हो सकता है, तो जिस प्रकार से अपने को उत्पाद चाहिए वैसे ही अपन कीटोन के लिए स्ट्रक्चर एल्किल हैलाइड में ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये है कि अपने को 1,3-डाइथायन बनाना है और इसे बनाने के लिए देखिए बहुत से प्रक्रम एल्डिहाइड और कीटोन से ही बनाए जा रहे हैं और फिर ब्यूटाइल लिथियम से ये
किस प्रकार से एल्किल हैलाइड के द्वारा 1,3-डाइथेन बनते हैं, फिर इनका कैसे हाइड्रेशन होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।